नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार डांगी, सिंघानी पतरगढ़ा, डिस्ट्रिक्ट चतरा, झारखंड से। हमारे यूट्यूब चैनल आर के डांगी बायोफ्लॉग फिश फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं बहुत दिनों से अपना अपडेट नहीं दिया था और आज अपडेट देने के लिए मैं आया हूँ। तो आपको पता है कि जैसा कि 15 मार्च 2020 को मैं अपना मांगुर का सीड स्टॉक किया था, 1 से 2 ग्राम का लेके आया था, और आज देखा जाए तो उसका ओवरेज वेट पकड़ेंगे तो 100 ग्राम प्लस है, और ऐसे देखा जाए तो कई तो ऐसे भी हैं कि 200 ग्राम 250 ग्राम भी पहुंच गए हैं। तो वही मेरे को दिखाना था, और सब लोग पूछ रहे थे और बार बार पूछ रहे थे कि भाई बच्चा डाले हो, कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया मछली। तो क्या कहते हैं, बताते बताते तो इससे मैं भी सोचा कि चलो एक वीडियो बना के डाल देते हैं, सब लोग देख लेंगे आराम से, और क्या कहते हैं उनको भी पता चल जाएगा कि मेरे फार्म में क्या अपडेट है और कैसा चल रहा है और किस तरह हम अपना फार्मिंग कर रहे हैं। और रही बात यह है कि मैं अभी फ़िलहाल आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि लाइव फीडिंग करके मेरी मछलियाँ कितनी एक्टिव है और लाइव फीडिंग कैसे उठा रही है। तो फीड मैं डाल रहा हूँ और फीडिंग का टाइम भी हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं और कैमरा को नज़दीक ले जाता हूँ। आप देख रहे हैं कि देखिए कैसे मछलियाँ फीड उठा रही है। सारी मछलियाँ मेरी एक्टिव है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फीड लेने में, फीड उठाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और वैसे भी थोड़ा मैं आधा घंटा भी लेट भी हूँ, इसमें बताने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। और रही बात है, आप लोग को लगता होगा कि भाई इसमें फ्लोक वगैरह नहीं है, पानी ड्रेंड है, कम पानी है, तो वो मत देखिए। क्या है कि हमारे यहाँ 1-2 दिन पहले दबा के बारिश हुआ है, कल भी बारिश हुआ है, परसों भी बारिश हुआ है। तो बारिश के कारण क्या है कि मेरा अभी प्रॉपरली फार्मिंग तो कर नहीं रहा हूँ, मेरा भी ट्रायल बेसिस चल रहा है, और अभी कमर्शियल फार्मिंग करने में अभी तो मेरे को टाइम लगेगा, और धीरे धीरे कोई चीज़ व्यवस्था होता है, एकदम से तो होता नहीं है। तो रही बात है कि मेरा, आपको पता है कि पहले से मेरा मुर्गी फार्म था, तो मुर्गी फार्म का क्या है, शेड जो बना हुआ है तो जो डाउन एरिया है, मतलब ड्रेन लाइन, वो मेरा इसी साइड आ गया था, और इसी कारण मेरा पानी जो है तो इसमें कचड़ा हो गया, मिट्टी हो गया वगैरह वगैरह, धूल कूल के इसमें आ गया था, तो इसी कारण से मेरे को ड्रेन करना पड़ गया। और नया पानी फिल हो रहा है, आप उधर देख सकते हैं पंप द्वारा पानी आ रहा है अभी, क्या कहते हैं वो भी मैं व्यवस्था प्रॉपर नहीं किया हूँ, उसको भी मैं सेट कर दूँगा और बराबर मतलब सबमर्सिबल लगवा के और कर दूँगा। अभी मेरे पास टुल्लू पंप से ही पानी आता है, और ग्राउंड वाटर ही यूज करता हूँ, ऐसा नहीं है कि स्टोर वाटर यूज करता हूँ, ग्राउंड वाटर ही यूज करता हूँ। और ग्राउंड बायोफ्लॉक में वैसे भी बोला गया है कि ग्राउंड वाटर ही यूज करना है, तो वही चल रहा है। और अभी मैं एरेशन इसलिए बंद किया हूँ कि इन लोग को क्या कहते हैं फीड देना था, और फीडिंग का टाइम हो गया था तो एरेशन देना भी ज़रूरी था, तो वही इसलिए मैं अभी एयर बंद किया हूँ। और आराम से ये लोग फीड ले रही है और खा भी रही है और एक्टिव भी है और ग्रोथ भी अच्छा है। आगे जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय हिंद।